ये वही रूम है जहाँ पे गांधी जी रहते थे, ये साबरमती आश्रम है और ये रहा पीछे उनका चरखा। हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल टू द ऑल न्यू एपिसोड ऑफ जेके व्लॉग्स एंड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हाँ, अगर आप नए व्यूअर हो तो मैं हूँ जयरा। सो फिलहाल तो हूँ मैं अभी अहमदाबाद में और आज तो प्लान है कि गांधी आश्रम साबरमती आश्रम का जाने का, जो मेरे घर से शायद 10 या 10 किलोमीटर RTO सर्कल के पास होता है। सो हाँ, वहाँ जाने का है और मनाली के भी एक दो व्लॉग्स बाकी है, इसलिए ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक वाले बटन को दबा दीजिएगा। नए व्यूअर हो रेड वाले सब्सक्राइब बटन को तो भूलिएगा ही मत। चलिए शुरू कर देते हैं यहीं से। सो जैसे कि देखा व्हीकल में मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ और अब बस सामने BRTS का स्टैंड है तो वहाँ जाते हैं। अहमदाबाद बस थोड़े दिन आया तो सोच लिया कि चलिए ब्लॉग बना देते हैं, साबरमती आश्रम जा रहा हूँ। चलिए यहाँ से बस जाती है, उसकी पहले टिकट ले लेते हैं डायरेक्ट RTO सर्कल की, बाद में वहाँ जाके बस इंटरचेंज करना पड़ता है। एक RTO सर्कल टिकट तो ले ली है मैंने और बस अब थोड़ी देर बस का वेट करते हैं, आ जाते हैं तो जाते हैं यहाँ पे ही। इधर RTO सर्कल में तो पहुंच गया हूं और ये कह सकते हैं हर एक BRTS ट्रेन का एंड है। हाँ, जो भी बस देखो RTO सर्कल RTO सर्कल वहीं पे एंड होता है। अब यहां से थोड़ा ही है साबरमती आश्रम, चलिए जाते हैं। सब तो बस यहां पे BRTS में उतर गया हूं और यहां से शायद 800 मीटर 900 मीटर होता है। सो चल के ही जा रहा हूँ क्योंकि चलने की भी आदत है, मज़ा आता है चलने में। बस में भी चढ़ूँगा तो बस ऐसे ही ट्रैफिक मिलेगी, बहुत दूर नहीं है, यहाँ से स्ट्रेट है और ये रहा पूरा रास्ता पीछे है। चलने में तो हम एक्सपर्ट है इसलिए चल के जा रहे हैं। विद्यानगर वही किया है, चल चल के ही बस ऐसे रास्ते घुसा रहे हैं। पता है विद्यानगर के ब्लॉग नहीं आए बट बहुत जल्द वहाँ के भी ब्लॉग आएंगे, तब तक इसके मज़े लेते रहिए और मनाली सीरीज के भी मज़ा लेते रहिए। तो ये गांधी आश्रम तो अहमदाबाद में ही है, बहुत दूर नहीं है, फिर भी मैंने देखा है कि किसी किसी अहमदाबाद पब्लिक को भी पूछो ये गांधी आश्रम कभी गए हो तो बोलते हैं नहीं नहीं कभी नहीं गए, इतना इंटरेस्ट नहीं है। बट हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि आपको भी जाना चाहिए, हेरिटेज है और प्राउड भी होना चाहिए कि ये वो प्लेस यहाँ पे है। सो हाँ, जाना तो बनता ही है, ज़्यादातर तो ट्रैवलर ही आते हैं। मैंने तो कम सुना है कि आज अहमदाबाद वाले भी आए हैं यहाँ पर देखने, तो हाँ चलिए हम जाते हैं मज़ा ले लेते हैं। सो कल तो मैं वापस जाने वाला हूँ विद्यानगर, इसलिए आज सोचा कि चलिए इसका ब्लॉग बना देते हैं, क्योंकि कितने दिनों से शायद 1-2 महीने हो गए कि विश लिस्ट में डाला बट अभी कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए सोच ही लिया कि इसका तो ब्लॉग बना ही देते हैं। इसलिए निकल गया घर से और अब पहुँचने ही वाला हूँ आगे। सो अब तो देख रहे होंगे कि ये साबरमती आश्रम का सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट होने लगा है। चलिए अब बहुत दूर नहीं है, पता चल गया। अब फाइनली यहाँ पे तो पहुँच गए गांधी आश्रम में और ये पीछे अंदर गांधी आश्रम है, ये रहे टाइमिंग भी पीछे लिखे है। आपको ठीक से दिखा देता हूँ कि आपको भी अगर आना है तो प्रॉब्लम ना हो, कभी आओ और क्लोज हो तो एकदम वो वेस्ट में जाएगा ना टाइम, इसलिए टाइम देख लीजिए, आपको भी ज़रूर ये काम में आएगा। दिखाता हूँ एक सेकेंड।
अंदर आओगे तो एक वो पीसफुल वाली फीलिंग आती है, जो पोरबंदर के कीर्ति मंदिर में भी आई थी उसका व्लॉग यहाँ पे आप भी देख सकते हो। पहले बर्थ प्लेस देख ली, अब ये साबरमती आश्रम। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि म्यूज़ियम अब इस साइड अंदर है, तो हाँ पहले म्यूज़ियम जाते हैं, बाद में इसमें कुछ हृदय कुंज लिखा है, प्रार्थना भूमि लिखी है, वहाँ पे भी जाएंगे, बारी बारी में सब कुछ लेते जाते हैं। चलिए आज तो पूरा देख ही लेंगे, अभी 6:30 बजे तक टाइम है। गाइस ये है गांधी जी का म्यूज़ियम, जो यहाँ पे स्टार्ट में ही एंट्री में आ जाता है और यहाँ पे गांधी जी से जुड़ी हर एक बात, उनके लेख जो न्यूज़पेपर में आए और उनकी लाइफ से जुड़ी हर एक बात भी यहाँ पे दिखाई गई है। म्यूज़ियम बहुत ही बड़ा है, घूम घूम के फोटो एग्जीबिशन है और बाहर ही है उनका लिखा हुआ यहाँ पे कोट है स्पेशल दैट मारो जीवन एज मारो संदेश, और इंग्लिश में लिखा है माई लाइफ इज माई मैसेज। सो यस ये उनका कोट था, ये आप देख सकते हो। और अब अंदर जाते हैं फोटो एग्जीबिशन में, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, चलिए जाते हैं जल्दी जल्दी। गाइस ये देख सकते हो कीर्ति मंदिर जो पोरबंदर में, आपको पता होगा तो पहले भी मैंने इसका ब्लॉग बनाया हुआ है, ये यहाँ पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। क्योंकि पोरबंदर में मैं रहता हूँ तो हाँ मालूम तो होता है कीर्ति मंदिर कहाँ पे होता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। वो तो आपने देखा, वो थी फोटो गैलरी और एग्जीबिशन, और अब म्यूजियम भी देख लिया है, अब आगे जाते हैं बाहर। सो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो ये है प्रार्थना भूमि, जहाँ पे पब्लिक प्रार्थना करने आते हैं और अभी भी आश्रम वासी होते हैं वो यहाँ पे प्रार्थना करने आता है। और अब बस ये आगे गांधी जी के ये साबरमती आश्रम और वो सब रहे, और अब ये हृदय कुंज है ये जो मेरे पीछे रहा है, चलिए जाते हैं। ये
ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये आश्रम, यहाँ पे गांधी जी रहे थे 1980 से 1930 तक। इसलिए काका साहब कालेकर ने इनका नाम रखा था हृदय कुंज, क्योंकि ये गांधी जी के आश्रम की हृदय कह सकते हैं कि हार्ट है। और यहाँ से गांधी जी ने वो निश्चय लिया था कि दांडी मार्च स्टार्ट करेंगे और बड़े बड़े नेता भी मिलने आते हैं, आते थे। सो हाँ, यही रहा, ये पीछे देख सकते हो ये पूरा हृदय कुंज। जहाँ पे गांधी जी रहते थे, ये साबरमती आश्रम में हृदय कुंज में। और ये रहा पीछे उनका चरखा, यहाँ पे भी वो बैठते थे। हाँ, यही उनका रूम है। माइंड ब्लोइंग, वर्ड्स टू वॉच, वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस करना है फीलिंग। और स्पेशली मैं जब आया था तब रूम नहीं खुला था, बट अभी एक खुला है। हाँ, देखने में मज़ा आ गया। अच्छा हुआ कि ये चांस मुझे ही मिल गया कि यहाँ अंदर रूम में आ सका, वरना बाहर ही देख रहा था तब लगा कि साला चांस मिस हो गया। बट फाइनली देख लिया, मज़ा आ गया। और यहाँ पे उनका स्टडी टेबल की जैसे टेबल भी है। चलिए अब जाते हैं बाहर। थैंक यू, मज़ा आ गया। साउथ अफ्रीका में कम्युनिटी रिलीजियस लाइफ शुरू हुई, पर यहाँ आने के बाद उन्होंने एक आचार संहिता तय की, जो लोग जुड़ेंगे वो इस आचार संहिता के साथ। टोटली 11 रूल्स कंपलसरी फॉर ऑल फॉलोअर्स, और सब लोग फॉलो करते थे। काफ़ी मुश्किल है, कोई उसका उल्लंघन करे तो गांधी जी अपने आप को सजा देते, न तो उस बंदे को या उस पर्सन को जिन्होंने रूल को रोक किया। गांधी जी के आश्रम आचार संहिता 400-500 लोग यहाँ रहे, सुबह 4:00 दूसरे को वहाँ प्रार्थना स्थल में प्रार्थना करते थे। तो ये घर 100 साल पुराना जैसे बना वैसे ही है। उस समय बिजली नहीं थी, बिना बिजली के गांधी जी को ये घर ही महल जैसा लगता था। तो उन्होंने कहा ये तो महल बना दिया है, मेरे गरीब लोगों को ऐसा मकान नसीब नहीं होता, हमें ऐसे घर में रहने का हक नहीं है। तो वो बाहर के देखे विश्व आउटसाइड है, ये जैन पर्सनल लोग हैं। और यहाँ नीचे खटिया डालते थे, सोया करते थे, यहाँ बाढ़ हुआ करते थे। और ये घर जैसे बना बिल्कुल वैसे ही है। ये मेरे हाथ में रुई है कॉटन, अभी मैंने धागा ऐसे ही रख दिया और जैसे मैंने घुमाना शुरू किया ये धागा जो है वो घूमने लगेगा, और घूमेगा तो कॉटन की कुछ रेसे उस पर लिपट जाएंगे और कंटिन्यूस ये प्रोसेस चालू है। कितने धागा बन जाएगा? अब देख रहे हैं, एक हाथ से मैं घुमा रही, एक हाथ से खींच रही हूँ, तो मल्टी कास्टिंग भी है। तो इससे क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है। गांधी जी ने कहते ये नहीं कहा, पर उनका कहना ये था कि ज़्यादा हाथों को काम कैसे मिले। तो चरखा एक मैन्युअली जो चलने वाले हैं, अपने कपड़े खुद बनाए, विदेशी कपड़े की बोली जगह, और इसको कहीं पर भी लेके साथ चलना हो तो जैसे हम उसको क्लोज करते हैं लेकिन इजीली कैरी कर सकते हैं। ये बंद हो गया और हमने उसको साथ लेके 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह के समय पर गांधी जी ने ये आश्रम बनाया, और तब उनकी उम्र थी 61 साल, पैदल चले 241। और तब उन्होंने शपथ ली कि जब तक स्वराज नहीं मिलेगा हम यहाँ वापस लौट के। जैसे ही मैं यहाँ पे गांधी आश्रम में ये हृदय कुंज में आया था तब अंदर तो पूरा घुमा, ये गांधी जी, ये कस्तूरबा जी का रूम है वहाँ पे, ये किचन है और गांधी जी का भी रूम सामने है, बट मुझे लगा कि वो क्लोज है। बट जब वापस आया तो ये आंटी जी ने डोर खुला रखा, तब पता चला कि जा सकते हैं अंदर। सो थैंक यू आंटी जी, आपने वो दिखाया और नॉलेज जो आपने शेयर किया, आपका नॉलेज एकदम वर्थफुल टू वॉच है। एकदम वो एड एक्स्ट्रा नहीं कर देते मसाला, वैसे ही आपने एकदम वर्थफुल बना दिया ये मेरी जर्नी यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू। सच बताओ मेरे मुंह से कुछ नहीं, आपको जो बातें अच्छी लगी
आपको गांधी जी से रिलेटेड कैसा लगा, घर आपको अच्छा लगा क्योंकि गांधी जी का घर है, हमारा घर नहीं गांधी जी का घर, इसीलिए सबको बहुत प्यारा लगता है। और जो बातें मैंने बताई वो गांधी जी को देखो ये घर हमें नहीं लगता कि कितनी सादगी, लेकिन उनको महल लगता था। तो ये बात हम जब सोचते हैं तो गांधी जी की बात को हम ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, इसीलिए हमें बहुत अलग से आनंद अनुभव होता है। और वैसे मैं भी पोरबंदर से ही हूँ गांधी जी के बदले से, इसलिए जब भी अहमदाबाद आता था तो सोचता था कि चलिए यहाँ गांधी जी का जन्मस्थल, ये गांधी जी का कर्मस्थल और उसका भी ब्लॉग है मेरे पास, और ये भी सोचा था कि ये भी विश लिस्ट में, इसलिए जहाँ पे भी जाता हूँ ऐसा लगता है कि गांधी जी के साथ कनेक्शन है, इसलिए उनके ब्लॉग पता नहीं ज़्यादा मन होते हैं बनाने में, इसलिए थैंक यू आंटी जी। आप ये मेरे पीछे देख सकते हो यही है साबरमती रिवर फ्रंट, बट हाँ अभी हमारे यहाँ पे अंदर देखना भी बहुत कुछ बाकी है, तो पहले वो देख लेते हैं, टाइम मिलता है तो नीचे जाते हैं क्योंकि 6:30 बजे तक ही यहाँ पे खुला रहता है सब कुछ, तो पहले ये देख लेते हैं बाद में टाइम मिलता है तो वहाँ पे भी जाते हैं। यहाँ पे अभी गांधी जी के आश्रम में और ये भैया भी यहाँ पे मिल गए, सो जो है हरियाणा कुरुक्षेत्र, यस फ्रॉम कुरुक्षेत्र, और इन्होंने ये चरखा भी लिया, ये सो यस आप देख सकते हो कि हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस के भी बहुत वैल्यू है, बट यस पब्लिक को विजिट करना चाहिए वो भी एक, यस इट्स अ वर्थफुल टू वॉच राइट, यू जस्ट ट्राई टू मेक चरखा दिस थ्रेड फ्रॉम चरखा वंस एंड यू विल जस्ट लव टू बाय इट, इट्स लव, थैंक यू। So, thank you, bye. Thank you. Hope to meet you soon again. Sure, also. sure. Chalo, good bye. Okay. जैसे कि आपने देखा वो था अंदर टीवी में चलता रहता है एग्जीबिशन, आपको भी अगर देखना है, बट मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं नहीं देखूंगा, दूसरी जगह जाते हैं। और ये यहाँ पे थ्रेड्स और वो सब है जो खादी के ये चक्रों से बनती है, अभी भी ये चक्र कई कई पे यूज़ करते हैं जहाँ पे ये क्लासिकल की तरह बनाना होता है, सो बात ही नहीं कर सकते वैसा सब कुछ है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे ये सब कुछ आप देख ही सकते हो, और ये पूरा यहाँ पे म्यूज़ियम चरखों का ही है, सुबह चलिए जाते हैं यहाँ से तो बाहर। तो सवारी बता नहीं हुआ था, सवारी भोपुर में तो कल्लाक मारे चालू की ना लो जी कल्लाक। सो गाइस फर्स्ट म्यूजियम कंप्लीट, और ये अब मगन निवास था वो भी कंप्लीट, अंदर एग्जीबिशन था वो भी कंप्लीट, और यहाँ पे मस्त व्यू लेने के लिए मैं यहाँ पे पीछे भी आया हूँ, आप ये देख सकते हो पूरा प्लेस अब तो आ ही रहा होगा। सो यस यही है प्लेस, और ये मेरे पीछे, सो ये मेरे सामने अब साबरमती रिवर भी है, दिखाता हूँ ये रही पीछे पूरी रिवर, और ये यहाँ पे रहा आश्रम, वाव व्हाट ए प्लेस कह सकते हैं ये तो।
गाइस सो इस साइड तो मैंने देख लिया सब कुछ, ये जो मेरे पीछे था ये था हृदय कुंज, और अब रत्ना भूमि भी हो गया, हृदय कुंज भी हो गया, एग्जीबिशन म्यूजियम मगन हाउस सब कुछ हो गया, टाइम भी थोड़ा बचा हुआ है। सो हाँ चलिए देख लेते हैं, देख सकते हो उतना, बट मज़ा आया देखने में, आपको भी यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटे छोटे आश्रम, और हाँ जिसकी यहाँ पे ड्यूटी मिल जाए या इसको नौकरी यहाँ पे मिल जाए उनका तो काम ही हो जाए ऐसी पीसफुल जगह में। सुबह रोज़ ये साबरमती रिवरफ्रंट देखो, ऐसे ग्रीनरी में रहो, क्या मज़ा ही आ जाए उन सबको। तो यहाँ पे इतना एरिया देख के तो अब तो लगता है कि बस यहीं पे ख़त्म हो गया है, अब यहाँ पे और कुछ नहीं है, यही आश्रम थे वो सब मेन है और सब कुछ कवर हो गया है वैसा लग रहा है। फिर भी देखते कुछ आए तो खादी शॉप है, कुछ खरीदी तो करनी नहीं है। तो हाँ चलिए अब जाते हैं बाहर, और अब तो जाएंगे वो रिवर फ्रंट की तरफ, नीचे जाते हैं, चलिए सीन वहाँ से मस्त आएंगे, व्यू वहाँ से मस्त आएंगे, और देखते हैं व्लॉग अब यहीं पे एंड कर देंगे आज की। अब रात होती जा रही है और मुझे अभी भी काम है तो जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए व्लॉग नीचे जाके या शायद वहीं पे एंड कर देते। मैं नीचे जाने का तो सोच रहा था बट देखो यहाँ पे क्या मिल गया, प्लास्टिक। जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे प्लास्टिक मिल जाता है, डस्टबिन पास में भी है, डालना नहीं है। तो हाँ अब कोई और नहीं करता तो हम ये काम कर देते, बट पता नहीं क्यों ये पब्लिक को यहाँ पे ये ऐसे करने का मन होता है। चलिए नीचे जाते पहले ये डाल देते कहीं डस्टबिन में, इसीलिए कहता हूँ कि कचरा कचरा पेटी में डालो वहाँ पे लिखा हुआ है, बट किसी को समझना भी नहीं है। और सोचा कि यहाँ पे तो नहीं मिलेगा कचरा, बट यहाँ पे भी मिल गया। तो हाँ चलिए अब तो नीचे जाते हैं, ये रिवर फ्रंट का ये पूरा नीचे रिवर फ्रंट है, पूरा गेट वहाँ से ही नीचे आए थे, साबरमती आश्रम वहीं पे ऊपर है, और ये रिवर फ्रंट आप मेरे पीछे देख ही सकते हो। तो हाँ चलिए आज तो व्लॉग एंड करते हैं यहीं पे, क्योंकि अब तो मैं भी थोड़ी देर के बाद घर जाऊँगा, इसलिए चलिए व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक वाले बटन को दबा दीजिएगा, नए व्यूअर हो रेड वाले सब्सक्राइब बटन को तो भूलिएगा ही मत। होप आप सबको ये वाला वीडियो अच्छा भी लगा होगा। सो चलिए फिनिश करते हैं व्लॉग यहीं पे, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा गुड बाय, सी यू एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, चलिए बाय बाय।